शिष्य कैसा होना चाहिए। आज का पूरा जगत श्रद्धा से नहीं बल्कि तर्क से चल रहा है। शास्त्रों में शिष्य के लक्षणों में एक लक्षण यह भी है कि वह किसी भी चीज को बिना सोचे स्वीकारता नहीं, और साथ ही जहां पर तर्क लगता हो वही लगाता है। एक साधक की बात आती है, उसके गुरु उसे बार बार कहते थे कि इस दुनिया में किसी का भी भरोसा मत करना, पर इस भरोसा नहीं करने की बात पर ही उसे भरोसा नहीं होता था, और इस कारण से उस साधक को अपने गुरु से भरोसा उठने लगा था। एक दिन उसकी गुरु के साथ किसी चीज को लेकर अनबन हुई और उसने गुरु को छोड़ दिया। तब भी गुरु ने उसे वह ही बात कही, किसी पर भरोसा मत करना, हर चीज का टेस्टिंग करना। साधक अपनी बड़ी साधना बराबर करने लगा। उसके पास धीरे धीरे बहुत सी सिद्धियां उत्पन्न होने लगी और एक दिन उसे अपनी सिद्धि का छोटा सा फल मिला। रास्ते में ध्यानपूर्वक चलते चलते उसे एक पारसमणि मिल गया और सोना बनाने की फैक्ट्री जैसे उसे मिल गई हो वैसा उसे प्रत्यक्ष अनुभव होने लगा। साधक के चमत्कारों की बातें चारों ओर फैलने लगी। एक 15 साल की लड़की ने भी यह बात सुनी और वो साधक के दर्शन करने के लिए आने लगी। साधक को वह लड़की हर रोज पुष्प चढ़ाती और यह क्रम लगभग 6 महीनों तक चला। एक बार उस लड़की ने साधक को पूछा, आप इतने प्रसिद्ध कैसे हो? लड़की का मुख इतना सुंदर था कि कहीं ना कहीं साधक ने अपनी सतर्कता खो दी और पारसमणि की बात उसके मुंह से निकल गई। उस रात ही जब साधक सो रहा था तब वह लड़की साधक के पास आई और उसके पैर दबाने लगी। उसके स्पर्श से कभी भी नहीं सोने वाले साधक को भी नींद आ गई। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि वो निर्वस्त्र था। ब्रह्मचर्य की कोई भी गड़बड़ नहीं हुई थी तो निर्वस्त्र कैसे? उसका दिमाग ये चीज स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर उसे ख्याल आया कि उसकी धोती में बांधा हुआ पारसमणि गायब है। तब उसे अपने गुरु की बात याद आई, उसका तर्क भी उसे मिल गया। वो गुरु के शरण में फिर से चला गया। और इस तरह की घटनाओं को देख श्री विशेषावश्यक भाष्य में लिखा है कि जो उत्कृष्ट शिष्य होता है वह एकांत से किसी भी चीज को तर्क के बिना ग्रहण नहीं करता है। उसे वह बात क्यों कही जा रही है उसका वह विचार करता है और तो ही वो सच्चा शिष्य बन पाता है। तर्क हर जगह लगाने वाले हम कभी खुद पर तर्क लगाते हैं क्या? सोचने जैसा है। जय जिनशासन, जय महावीर।